संसाधन भूगोल के पेपर के अंतर्गत हम खनिज संसाधनों में से एक लौह अयस्क का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के विभिन्न खनिजों में से सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिजों में लोहा है, और लोहे से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए, समाज और देश के विकास के लिए आवश्यक विभिन्न उद्योगों को आधार मिलता है। तो इसलिए आधारभूत उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। तो उसके लिए लौह अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है। अयस्क के प्रकारों को देखें तो सबसे ज़्यादा लौह मात्रा जिसमें होती है वो मैग्नेटाइट होता है। मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की मात्रा 70% तक होती है। ये चुंबकीय स्वरूप वाला होता है और इसका उपयोग विभिन्न विद्युत से संबंधित उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है। स्वीडन में, अफ्रीका के लाइबेरिया में, रूस के मैग्नेटोगोर्स्क में इस प्रकार का अयस्क मिलता है। दूसरा है हेमेटाइट। इसमें अयस्क की मात्रा 50 से 65% होती है। इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं तो उनको साफ करने में दिक्कत आती है। यह अयस्क लाल रंग का है और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अयस्क भी है, अयस्क का स्वरूप भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील, कनाडा के लेबराडोर और क्यूबेक राज्यों की लौह खदानें, और ब्राज़ील के मिनास गेराइस राज्य की खदानें, वेनेजुएला की गुयाना उच्च भूमि, यूक्रेन की लौह अयस्क, स्पेन की बिलबाओ और मोरिटेनिया की अयस्क भी इस प्रकार की है। लौह अयस्क में की जो लिमोनाइट और सिडेराइट प्रकार है उनमें अयस्क की मात्रा और भी कम हो जाती है। जैसे सिडेराइट सब 20 से 30% अयस्क होता है। फ्रांस की लोरेन या लग्जमबर्ग देश की जो अयस्क है वो इस प्रकार की मानी जाती है। विश्व में लौह अयस्क की जो मध्यम और उच्च क्वालिटी के जो भंडार हैं वो 20% भंडार यूक्रेन में है, 16.5% ब्राज़ील में, 15% रूस में, 12% चीन में और 11% के आसपास ऑस्ट्रेलिया में है। निम्न श्रेणी के भंडारों को मिलाने पर भारत दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार वाला देश बन जाता है। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन लगभग 44%, ऑस्ट्रेलिया 22% और ब्राज़ील 10% लौह अयस्क उत्पन्न करते हैं। तो चीन और ऑस्ट्रेलिया मिलाकर दुनिया की 2/3 अयस्क का उत्पादन वर्तमान में किया करते हैं। लौह अयस्क का वितरण देखें, भारत कुल उत्पादन का विश्व का 3.8% उत्पादन करके चौथे स्थान पर है। लौह अयस्क का वितरण देखें तो चीन में, उत्तर पूर्वी चीन के दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश में अनशान, पेनकी आदि खदानें मुख्य हैं। फिर मध्यवर्ती चीन में जेचवान राज्य जो यांगसे क्यांग नदी बेसिन में है, वहाँ चुंगकिंग वगैरह है ना, ये मुख्य लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। ब्राज़ील में मिनास गेराइस राज्य की माउंट इताबिरा मुख्य खदान है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से करीब 1,000 किलोमीटर दूर जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य की खदानें हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की दो क्षेत्र हैं, मिडल बैंक श्रेणी और आयरन नोब। हालांकि सिडनी के आसपास भी अयस्क पाया जाता है। फिर भारत में लोहा काफ़ी क्षेत्रों में मिलता है, विशेषकर छोटा नागपुर क्षेत्र में,
ज़्यादातर भंडार हेमेटाइट प्रकार के हैं। ओडिशा के बोनाई, सुंदरगढ़, मयूरभंज और क्योंझर की खदानें महत्वपूर्ण हैं, साथ में झारखंड जिले के सिंहभूम जिले में मिलने वाली खदानें, ये सब मिलकर 40% अयस्क क्षेत्र भारत का इनमें आ जाता है। मयूरभंज जिले में बादाम पहाड़ और गुरु महिसानी, क्योंझर जिले में बांसपानी और किरीबुरु, और सिंहभूम जिले में पंसीरा बुरु, गुआ और नोवा मुंडी महत्वपूर्ण खदानें हैं। छत्तीसगढ़ सबसे प्रमुख उत्पादक है। वर्तमान में दुर्ग जिले में ढल्ली राजहरा की खदानें, दंतेवाड़ा जिले में बेला डिला बहुत महत्वपूर्ण उत्पादक है। गोवा में काफ़ी उत्पादन होता है लेकिन निम्न श्रेणी का अयस्क है। तेलंगाना में, कर्नाटक में भी मिलता है। कर्नाटक के चिकमगलूर जिले की बाबा बुदन पहाड़ी और केमन गुंडी और कुद्रेमुख खदानें ये महत्वपूर्ण है। फिर महाराष्ट्र में लोहारा और पीपल गांव, पूर्वी महाराष्ट्र में रत्नागिरी तटीय क्षेत्र में यहाँ अयस्क पाया जाता है। तमिलनाडु के सेलम और नीलगिरी की पहाड़ियों में, सेलम जो कोयम्बतूर और चेन्नई के बीच में है, वहाँ ये अयस्क मिलता है। रूस के यूराल पर्वतीय प्रदेश में मैग्निटोगोर्स्क के मैग्नेट पर्वत में मैग्नेटाइट अयस्क निकलता है। निजनी तागिल एक महत्वपूर्ण खदान है। ऐसे नोवो कुजनेस्क प्रदेश के दक्षिण में भी निम्न श्रेणी का अयस्क पाया जाता है जो कुजबास के लौह इस्पात उद्योग को भेजा जाता है। पश्चिमी साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क और अमूर घाटी क्षेत्र में जो अयस्क है वो उसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि दूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ। यूक्रेन एक महत्वपूर्ण देश है जो पुराने सोवियत संघ से अलग हुआ रूस के समान। यहाँ क्रिवोय रोग क्षेत्र बड़ा भंडार का और उत्पादन का क्षेत्र है। दूसरा पूर्वी क्रीमिया में कर्च प्रायद्वीप, यहाँ ये दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। यूएस में 1985 के बाद से उत्पादन घटने लगा है और ये या तो रिसाइकिल करते हैं पुराने लोहे को या बाहर से मंगाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल जो उत्पादक क्षेत्र है, एक सुपीरियर झील में हेमेटाइट की कई पहाड़ियाँ हैं, कई श्रेणियाँ हैं, जैसे मार्कवेट, बर्मेलियन, मिनोमिनी, कुयुना आदि यहाँ उत्पादन होता है। फिर जो अलाबामा राज्य जो है, अलाबामा राज्य में बर्मिंगम क्षेत्र में उत्पादन होता है। कैलिफोर्निया के ईगल पर्वत में होता है और न्यूयॉर्क राज्य की एडिरोनडेक पहाड़ियों में भी इसका उत्पादन होता है। अन्य उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका देश महत्वपूर्ण है, जिसमें ट्रांसवाल राज्य के थावा, जिम्बी और प्रिटोरिया की खदानें और पोसमासबर्ग की खदान जो दक्षिण अफ्रीका में है ये, और फिर नाटाल राज्य की कुरुमान क्षेत्र की खदानें ये अच्छे लो अयस्क का उत्पादन करती हैं। कनाडा के लेब्राडोर और ओंटेरियो राज्य, नोवा स्कोटिया और क्यूबेक में काफ़ी भंडार हैं जो कि यूएसए को उत्पादन करके भेजा जाता है। स्वीडन में किरुना और गैलीवेयर ये अच्छी श्रेणी का अयस्क उत्पन्न करते हैं। स्पेन में बिलबाओ की खदानें हैं पिरीनीज पर्वत के पास, और फ्रांस में लोरेन के क्षेत्र में 100 किलोमीटर की पट्टी में निम्न श्रेणी का अयस्क पाया जाता है। उत्पादन व्यापार की दृष्टि से देखा तो एक तिहाई उत्पादन व्यापार में जाता है। यूएसए, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, चेक गणराज्य और पोलैंड मुख्य आयातक हैं। जापान 90% आयात से ही अपनी आवश्यकता पूर्ति करता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील वगैरह से अयस्क मंगाई जाती है। अगर विश्व में इसका वितरण देखते हैं तो ब्राज़ील एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ मिनास गेराइस राज्य महत्वपूर्ण है। यूएसए के पर्वतीय प्रदेश में मिलता है और मुख्यतः सुपीरियर झील क्षेत्र में। ये कनाडा का जो उत्तर पूर्वी भाग क्यूबेक राज्य है, ये अलाबामा राज्य की खदानें हैं। फिर यूराल पर्वत क्षेत्र में रूस में,
मध्य एशिया के राज्य जो सोवियत संघ से अलग हुए, कुजबास क्षेत्र है ना, कुजनेस्क कुजबास क्षेत्र, यूक्रेन यूक्रेन का लोहा अयस्क क्षेत्र जो काला सागर के उत्तर में स्थित देश है, साइबेरिया रूस में ही है जो जिसके ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है उसका उत्पादन का, स्वीडन में मिलता है, फ्रांस का लोरेन क्षेत्र है, लाइबेरिया मुख्य निर्यातक प्रदेश अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका का लोहा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण उत्पादक हैं, मंचूरिया प्रदेश चीन में और चीन के यांगसे क्यांग नदी के मध्यवर्ती भाग में जेचवान राज्य का अयस्क, इनको विश्व के बड़े उत्पादक हैं। भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र और कर्नाटक सेलम जो कर्नाटक का चिकमगलूर जिला है यहाँ उत्पादन किया जाता है, अयस्क मिलती है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील के आसपास कई पहाड़ियाँ हैं जिनमें अयस्क मिलता है, जैसे वर्मिलियन की श्रेणी, मेसा बी, क्यूना, गोजेबिक, मार्केट, मिनोमिनी आदि। इस झील के पश्चिम और दक्षिण में ये अयस्क का क्षेत्र हैं। यूरोप में अयस्क के क्षेत्र को देखें तो फ्रांस का लोरेन क्षेत्र है और ये बर्मिंगम क्षेत्र ब्रिटेन में, ये आपका हो गया स्पेन का जो बिलबाओ का क्षेत्र हो गया, फिर ये पूर्वी जर्मनी में सैक्सोनी और ये स्वीडन में किरुना और गैलीवेयर, रूस में मैग्निटोगोर्स्क और ये कर्च प्रायद्वीप जो आपके यूक्रेन में पड़ता है काला सागर के पास, फिर करिवोई रोग, ये आपके यूक्रेन के मुख्य लौह उत्पादक क्षेत्र हैं।